ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଅଖିଳ ଭାରତ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷ ଦିନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା, ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି, ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଉପରେ ପାଠକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏହି ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 70 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ସର୍ବଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଭଳି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ସେ ନେଇ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିବେଦୀ। बस समाज में अपनी भारतीयता को स्थापित करना, सनातन को स्थापित करना, अपने भारत के जो मानव मूल्य हैं उनको समाज में स्थापित करना, जो हम खो चुके हैं परतंत्र रह करके पराधीनता में, अपनी औपनिवेशिक परिवेश में, उसको फिर से प्राप्त करना, फिर से वहाँ तक परम वैभव तक देश को ले जाना, हम सब इसमें लगे हुए हैं। तीन दिनिया कार्यक्रम में जोग देते 300 रु अधिक साहित्यिक आउ ए साहित्यिक मन में विभिन्न प्रश्नर समाधान कार्यक्रम आज शेष दिन में राष्ट्रवाद, सनातन धर्म एवं सामाजिक परिस्थिति उपरे आलोचना करते साहित्यिक 17 जन को पुरस्कृत करा बेले किए 140 रु अधिक बही लिखिंट तो आउ किए समाज को नुआ दिग देवाक कविता नोबेल लिखिंट तेज आगामी दिन में भारतीय को बचाई रखा दिगरे कार्य करने को संकल्प नहीं साहित्यिक। मेरा जीवन में इतना बड़ा सम्मान मैं नहीं चाहता, लेकिन सरसंघ चालक से मुझे ये सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय शक्ति का जागरण करना है और हम सभी एक है, अखंड भारत का निर्माण होना है और ये भारत का जो प्राचीन काल से जो मूल नीतियाँ जो है, आधारभूत मूल नीतियाँ जो है, वो हम अपना लेना है और समाज को संगठित शक्ति में लाना है। भारतीय समाज को एकजुटता में रखने के लिए और आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, उस दिशा में एक चिंतन का संदेश, निर्देश हो या आदेश हो, इसे हम माने देश के भविष्य के लिए, हम उसको किस प्रकार स्वीकार करें, किस प्रकार उसको कार्यान्वित करें, उस पर निर्भर है। उसके लिए एक मार्गदर्शन मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। समाज में नुआ किसी परिवर्तन करने को हेले साहित्य एक बड़ अस्त्र, तेणु अधिक रु अधिक लेखकों निकट में पहुंचेबा उद्यम करुछी साहित्य परिषद। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिक सत्यांजलि महाती का रिपोर्ट। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।